नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग एंड कुकिंग में। तो आज का जो वीडियो मैं बनाकर आपको बताने जा रही हूँ वो एक स्टिचिंग बेस्ड वीडियो है, जो कि मैं एक साड़ी आपको पूरी प्रिपेयर करके दिखाऊंगी। आई होप आपको पसंद आएगी। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और कमेंट भी ज़रूर करें, अगर मेरी वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आती है तो मैं उसे ठीक कर सकूं, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरी साड़ी। इसे मुझे पूरा प्रिपेयर करना है। इसमें मैं आपको फॉल लगाना, पीको करना और ब्लाउज़ को स्टिच करना, ये सब आपको मैं सिखाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लेकिन ये पार्ट बाई वीडियो होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। तो इसलिए एक एक करके मैं आपको आगे की वीडियो में बताती जाऊंगी और कैसे मैं ये साड़ी प्रिपेयर करूंगी, आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस साड़ी में से हमें पहले ब्लाउज़ पीस निकालना होगा, क्योंकि वो इसी में जॉइंट है, अलग से नहीं है। तो इसके लिए हम एक पुरानी साड़ी अपनी लेंगे और उससे इसे मेजर करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसे हम कट कर लेंगे, यानी कि वो हमारा ब्लाउज़ पीस होगा। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें मेजर करना है। ये देखिए, ये है, देखिए पल्लू पार्ट। यहाँ से ही हमें दूसरी साड़ी को मेजर करना है। तो देखिए, ये मैं लेती हूँ दूसरी साड़ी। इसे भी मैंने पल्लू साइड से ही लिया है। और ये है हमारी नई साड़ी। तो इसे हम इस तरह से एक साथ बराबर लग के नाप लेंगे। इसी तरह हम पूरी साड़ी को नापते हुए चले जाएंगे। देखिए, यहाँ तक आ गई है। इतना हिस्सा हमें, यहाँ तक हमारी साड़ी आई है और इतना हिस्सा हमें छोड़कर बाकी ये हमारा ब्लाउज पीस हो गया। ये लगभग 1 मीटर है, लेकिन हम इसे, ये हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसे यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए, इतना हिस्सा हमें कट करना है। देखिए, ये मैंने साड़ी में से ब्लाउज़ पीस को कट कर दिया, तो ये अलग हो गया। मेरा साड़ी में सेम ही ब्लाउज़ था, इसलिए मैंने ये बताया आपको। वैसे आजकल कई साड़ियों में सेम ब्लाउज़ नहीं आते हैं, अलग प्रिंट में, अलग कलर में आते हैं, तो उसे काटना इजी होता है। लेकिन इस तरह की साड़ी में सेम ही ब्लाउज़ हो तो हमें इस तरह से काटना चाहिए, जैसे मैंने आपको मेथड बताया, तो आपकी कभी साड़ी गलत नहीं कटेगी। तो इस तरह से मेरे दोनों पार्ट अलग हो गए, ब्लाउज़ भी अलग हो गया और साड़ी भी। अब इसमें देखिए, ये पल्लू में जो है ये इस तरह के टैसल्स बने हुए हैं, तो पल्लू में तो हमें पीको की ज़रूरत है नहीं, तो इसमें हम पीको नहीं करेंगे, इसे एज़ इट इज़ रहने देंगे। और ये जो बैक पार्ट है जो अंदर फोल्ड में आता है, इस ये हिस्सा बचता है, तो इसमें हम
अगर टेलर के पास जाएं तो इसी को पीको करने के लिए काफ़ी चार्ज करेगा, तो इसलिए हम इसे हाथ से ही पीको करेंगे। मशीन से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मैं आपको इसमें हाथ से पीको करना सिखाऊंगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये मेरी आज की वीडियो है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आने वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।